तो हमारी फौज जल्दी है मौज के लिए। पार्किंग की हमें बहुत अच्छी सुविधा, 20 रुपए इसमें हमें लगे सिर्फ। बेटा किसको आए कर रहे हो? भाई कितने का है? सबके लिए 50, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। अरे वहाँ बैठ के बड़े यार तो भाई मैं तो पहली बार यहाँ पे आया हूँ काम करने। बच्चों को इसमें बैठाएंगे अब हम, और आप ही अपने बच्चों को लेकर के आए और भाई साहब के झूले में जरूर लेके आए। भाई साहब को खुश करके जाना, यहाँ आना, और बड़े बच्चों को भी बैठा सकते हो आप। ये देखो बड़े बच्चे ही बैठे हैं, ये देखो ये रहे बड़े बच्चे। बलून चाहिए? बलून, बलून चाहिए? बलून दे दो बच्चों को। क्या करना है अब? क्या वो वाला बंदूक चलानी है? और लड़के को बंदूक चलानी है तो अब हम बंदूक चलाएंगे बच्चे के साथ। लौंडा चला गया यहाँ पे बंदूक। चलो भाई बंदूक चलाओ, बंदूक। 50 के 10 चांस मिलेंगे सिद्धांत को, तो देखते हैं। पहला चांस तो उसका हुआ नहीं, दूसरा होता है नहीं होता, दूसरा भी नहीं हुआ, और ये तीसरा चांस। ये लड़के दो निशाने लाने देना, इसकी मम्मी मारेगी। देखते हैं हमें ही मारती है या निशाना भी मार पाएगी। ओ फोड़ दिया। और पूजा ने बंदूक हाथ में लेने के लिए कमर कस ली है, भाई साहब ने मदद कर दी है। इतनी जल्दी चला दी, थोड़ा निशाना लगना चाहिए। भाई क्या बात है, क्या बात है, लग गया निशाना। ओ लगा, हो गया कंप्लीट। दो ही बोला था मैंने, बस बस अब ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना हमें। धन्यवाद भाई साहब। भाई साहब ये दो बच्चों के लिए, अरे बच्चा छोटा है अभी आ जाएगा, देख ले दोनों का ना, दोनों का चल, दोनों को भेज दे यार। अब बच्चों को हमने यहाँ भेजा है 50 रुपये में, यहाँ जाएंगे आप। भाई पिछली बार भाई ने मेरा मुंह जला दिया था, देखते हैं इस बार किसी का जलता है नहीं जलता। मुंह जलेगा बहुत तगड़े तरीके से भाई, मेरा तो बहुत बुरी तरह आया था मैं। भाई यहाँ पे आओ, और आग वाला पान कितने का? 40 रुपए का, 4 रुपए का मत समझ जाना। मेरे भाई ने बस इशारा कर दिया, मैं ये देखो लौंडा, मुझे पिछली बार वाला लौंडा मिल गया लड़के। तो भाई अब जो है मेरी वीडियो बनेगी पिछली बार की तरह, अभी भाई को पिछली वीडियो भी दिखाऊंगा। कौन सा भाई? आग वाला, आग वाला पान खाएंगे भाई। Thank you.
छोले भटूरे खाएंगे और बताएंगे कि हमें कैसे लगे छोले भटूरे। पिछले साल आए थे तो पिछले साल तो भाई साहब हमें मिले इस बार भाई साहब ने कैसे छोले भटूरे लगाते हैं, क्योंकि पिछली बार पूरा लंबा लगा होता है। ये भगवान करे कल इतनी भीड़ हो जाए, परसों इतनी भीड़ हो जाए, भाई साहब का माल कम पड़ जाए, इतना माल चले और लोग आ कर के और क्या नाम है दुकान की, स्पेशल छोले भटूरे ओनली 50 रुपये। और भाई साहब नोट गिनते गिनते थक जाए और भाई साहब हाथ कहे अरे भैया मैं तो थक गया आज, इतना माल इतना खाने वाले सारे कराउल नगर के यहीं आ गए क्या आज, तो यहाँ पे आओ और चौमिन खाओ, भाई से पर्ची लो। 30 रुपये की है, कितने की है? 30 रुपये की है भाई, बड़ी सस्ती चौमिन है ये, बंदरी चौमिन। ये लो भाई शर्मा चौमिन वाले, शर्मा शर्माते हुए थोड़ा सा। देखो मेरी भुक्कड़ भी, मैंने अभी ले ही रहा हूँ मैं, और भाई साहब इसने जो है यहाँ पे छोले भटूरे साफ कर दिए। औलाद हो तो ऐसी हो भाई, जो बाप से ये भी ना पूछे कि बाप आप भी खा लो। देखो ये भुक्कड़ पूरी भटूरे, और दे दो भाई साहब कम भटूरे, मेरे लिए बचाए नहीं इन्होंने। तोड़ना देखो चौमिन से मजा ले रहा है अपनी मम्मी के साथ, और मैं तो खाता ही रहता हूँ, तो मतलब खाना हो गया हूँ आप लोगों से पीछे। देखो ये ना पूछा भाई मैडम जी शर्मा के, और ये आप नीचे भूसे क्यों खा रही है, कैसा लग रहा है आपको? शर्मा जी को फेमस कर दिया आपने तो, अच्छा चौमिन खाने को नहीं मिल रही थी इसलिए ऐसी शर्मा रही थी। इनको देखो मुझे कह रहे थे खुद खपा खप खाई जा रहे हैं। तो भाई ने बताया कि आइसक्रीम भी खाते जाओ, आइसक्रीम बहुत अच्छी है यहाँ की, वो देखो आइसक्रीम मेरी आपको, तो मुझे आइसक्रीम कैसी लगी मैंने 50 रुपये दिए थे, अगर भाई जो है आइसक्रीम भी खिलाएगा आपको, 50 रुपये लेके आओ और यहाँ आकर के आइसक्रीम खाओ। ओहो तो भाई अपने को तो आइसक्रीम चाहिए, बच्चे खाए ना खाए ठंडा हमें जरूर होगा। हेलो भाई मैं तो आइसक्रीम खाऊंगा, बच्चों के लिए ये ले लेता हूँ ताकि बच्चे खुश हो जाएं, आइसक्रीम मैं खा लूँगा ठंडा लेकिन बच्चों को नहीं खिलाऊंगा। कितने का है भाई ये? भाई के पास देना पड़ेंगे अभी पैसे। तो भाई 30 रुपये का है ये, भाई ने 30 रुपये में ये दे दिया, बच्चों को खिलाएगा बता के। ये ले सिद्धांत, सिद्धांत कहाँ है सिद्धांत? तो भाई यहाँ बैठ करके आराम से खाएंगे अब हम, बिना बैठ के खाने में मज़ा नहीं आएगा, आइसक्रीम ना खाएंगे बच्चे खाएंगे वो गुड़िया के बाल। मैं सोचा था कि इसको आइसक्रीम नहीं खिलाऊंगा लेकिन इसको आइसक्रीम ही खिला दी, क्योंकि इनको थोड़ी सी जल्दी रहती है हर चीज़। इनको एक बात बताओ, इनको आइसक्रीम लेने की ज़रूरत ही क्या थी आपको? आइसक्रीम लेने की ज़रूरत ही क्या थी? ठंडा हो जाएगा मिलने को। ये देखो बच्चे को गुड़िया के बाल भी खाने लग गए, ये इतना खाऊ है ना, खाऊ बीवी मिली है मेरे को। मेले में लाया तो खाऊंगी नहीं क्या? मेले में होता ही क्या? मेले में बस खाने को ही मिलता ना। तो भाई पूजा ने रिंग ले लिया हाथ में, तो भाई लौंडा ने पैसे बच्चे को वापस मेरे को दे दिया, तो भाई चांस देंगे आज फिर से। चैनल नहीं बना रहे हो? भाई तो बना रहा हूँ भाई। ये बता कितने रुपए का है इस बार? 50 के 10। पिछली बार कितना था? 30 के 10। पिछली बार 30 रुपए लुटा के गई थी, इस बार 50 रुपए लुटाई दी है। 50 रुपए के 10। 50 के 10 मार्शल दोबारा देगी चांस दोबारा। लाइफ पर रह गया भाई, लाइफ पर रह गया हमारा, ओ मेरी जान छूटी रह गई भाई,
ये ना पिलाएगी कुछ नहीं, ये ना पिएगी भाई कुछ भी ना पिलाएगी। ये देखो भाई, ये चल भाई फेंक भाई फेंक, ओ लक्ष्य रह गया भाई, लक्ष्य रह गया। इनकी शक्ल देख लो, एक देख लो भाई लड़को, 50 रुपए खराब नहीं जान चाहिए आज मेरे। ब्लॉग बना रहे भाई, चैनल का नाम क्या है? मैं बताऊंगा। चल बेटा चल, लड़के एक बार और चांस लेंगे फिर हम। आठ बार मारा फिर भी कुछ नहीं हुआ इन पे, मेरा हाथ और दर्द हो गया तब से। क्या हो गया मैडम, क्या हो गया? 50 रुपए खर्च हो गए। और अब मेरी बारी है, मेरी बारी है, अब मेरी बारी है भाई। चलो भाई 50 रुपए और कभी वाले चाहिए कभी भाई। ओ भाई 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 थोड़ी चीटिंग करनी पड़ेगी। ओ भाई 50 रुपए आएगा भाई के, 50 रुपए काम रहेगा भाई का। थैंक यू भाई, बहुत बहुत मजा आया दोस्त, तेरी वजह से मैं जीत गया। बहुत अच्छा लगा, तेरे को कैसा लगा? तो यहाँ पे आओ और बच्चों को देखो, जिंदगी में खोज लो, नाम ले लो। पटाखे वाली सही रहेगी ये, ये पिछली बार भी नहीं थी। कितने की है? 70 रुपए। ये 50 का है? 50 रुपए का लगा लो। तो भाई पिछली बार मैंने यही बंदूक ली थी, देखते हैं इस बार ये मार्केट तक नहीं चला पाएगी, नहीं चला पाएगी। बिठा दे दिखा दो, चला के नीचे चलाओ, नीचे दादा को भी चला के दिखा दो, दिखा दे। तो देख देख लाइट देख, अब देख इसकी, ये देखो लकी कलम कर दिया वो। अब सिद्धांत के कलम बंदूक जिसमें ना ऐसे खोलते हैं, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक छेद है, उसके अंदर माचिस डालते हैं, आगे को ब्लैक रहेगा, माचिस की तिल्ली, माचिस की तिल्ली डालते हैं, फिर उसको दबाना है, फिर फूटेगा। और बाबू का स्कूटर कैसे चलेगा? तो भाई हम मेले में घूम करके आए, बच्चों को खिलाया पिलाया, मस्ती कराई, और इसको हमने जिस जिस झूले में बैठाया ये पै पै करने लग गया, पै पै पै। हाँ, और बलून इनका कोई ले गया भाई साहब का, इनके हाथ से चुपचाप से, आपको भी नहीं पता चला।
तो दोस्तों आज का ब्लॉग हमारा आपको कैसा लगा, होप कि आपको अच्छा लगा। अगर लाइक कर दे इसे और साथ में इसे क्या कर दे, सब्सक्राइब कर दे अगर आप इस चैनल पर नए हैं, और साथ के साथ अगर आपको और ज्यादा अच्छा लगा तो इसे कमेंट करके बताएं हमें।